हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में देखते हैं, पति की सहमति के बिना क्या पत्नी कर सकती है गर्भपात यानी कि अबॉर्शन। इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो एक ही, पत्नी द्वारा अनचाहे गर्भ का अबॉर्शन करने के लिए क्या पति की स्पष्ट सहमति जरूरी है। इस मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। एमटीपी कानून में गर्भपात को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी के रूप में जाना जाता है। आइए देखें कि गर्भपात के लिए किसकी सहमति जरूरी है और इस संबंध में एमटीपी कानून के प्रावधान क्या कहते हैं। अबॉर्शन और पति की सहमति के बारे में एमटीपी कानून के प्रावधान इस प्रकार हैं। सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज बी ऑफ एमटीपी एक्ट कहता है कि गर्भवती महिला की सहमति के बिना किसी भी गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा। और सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज ए ऑफ एमटीपी एक्ट कहता है कि जिस महिला का गर्भपात करना है वो अगर 18 वर्ष से कम आयु की है या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है तो उसके अभिभावक यानी गार्डियन की लिखित सहमति जरूर होनी चाहिए। यानी इस एमटीपी कानून के अनुसार यदि गर्भपात कराने वाली महिला 18 वर्ष से अधिक उम्र की है या मानसिक रूप से बीमार नहीं है यानी वो सहमति देने के लिए सक्षम है तो उस महिला की सहमति जरूरी है। हालांकि यह कानून कहीं नहीं कहता है कि पति की सहमति जरूरी है। इस प्रकार एमटीपी कानून के अनुसार पति की सहमति अबॉर्शन के लिए जरूरी नहीं है। अगले वीडियो में देखेंगे, जब पति ने पत्नी और डॉक्टर पर बिना सहमति के गर्भपात कराने का केस दर्ज कराया तो कोर्ट ने क्या कहा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।